हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इसमें नंस इक्वेशन की थी, जिसमें स्टैंडर्ड कंडीशंस हमें नहीं दे रखी होंगी किसी भी शेल की, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड कंडीशंस थी वो हमारे पास होती है 1 मोलर कंसंट्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की और 298 केल्विन टेम्परेचर, या फिर दोनों में से कोई एक वैल्यू हमें डिफरेंट दी होगी, ठीक है। हाँ जी, तो नंस इक्वेशन अप्लाई हमारे पास हो रही थी, और उसके लिए हमने कुछ ट्रिक भी किया था कि जो नंस इक्वेशन होगी वो होती है हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.05 बाय एन लॉग ऑफ, हाँ जी माइनस है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। हाँ जी, आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इनके बिहाफ पर, न्यूमेरिकल करते हैं जो कि 100% पेपर में आपके पास आते हैं, ठीक है। हाँ जी, उससे पहले हमें पता है यहाँ पर लॉग वैल्यू गिवन है, क्लियर, यहाँ पर लॉग वैल्यू गिवन है। देखिए, लॉग जो लॉग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको सोल्व करने के लिए आपको लॉग टेबल भी एग्जाम के अंदर गिवन होगी, या फिर आजकल पेपर में वो क्या कर रहा है, लॉग की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही गिवन दे रहा है लॉग की वैल्यू, तो उससे आपको एक हिंट भी मिल जाएगा कि मतलब जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी आपको ये पता लग जाएगा कि वो वैल्यू क्वेश्चन में जरूर यूज होंगी, ठीक है, आपका क्वेश्चन सही जा रहा है या नहीं। फिर भी हम कुछ शॉर्टकट करते हैं या ट्रिक करते हैं लोग को भी समझने के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ठीक है, हमें लोग गिवन होता है एक तो एलएन की टर्म में, ठीक है, लोग हमें गिवन होता है एक तो एलएन की टर्म में, ठीक है। हाँ जी, एलएन जो हमें गिवन होता है वो उसका मतलब होता है लोग टू द बेस ई, क्लियर है, एक्सपोनेंशियल टर्म लॉग टू द बेस ई, ठीक है। और जो एक्चुअल में हमारे पास जो लॉग टेबल में वैल्यूज गिवन होती है वो गिवन होती है लॉग टू द बेस 10 की, वो गिवन होती है लॉग टू द बेस 10 की। तो मैं बोल सकता हूं लॉग टू द बेस ई को हम एलएन भी बोल सकते हैं, ठीक है, लॉन भी बोल सकते हैं। और हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो ये एलएन है, ठीक है, लॉन है, वो इक्वल होता है 2.303 लॉग ऑफ 10 के बराबर, क्लियर है, 2.303 लॉग ऑफ 10 के ये इक्वल होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। हाँ जी, और भी अगर हम प्रॉपर्टी करते हैं लॉग की, और भी प्रॉपर्टी करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास होती है लॉग एम इंटू एन, क्लियर है, लॉग एम इंटू एन, या फिर हम बोल सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन हमारे पास होते हैं लॉग ऑफ एम बाय एन, क्लियर है, ये हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है। या फिर पावर की प्रॉपर्टी हम देखते हैं लॉग ऑफ एम की पावर एन हमारे पास होता है एन लॉग एम, क्लियर है, जो की पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है एन लॉग एम, ठीक है। इसकी कुछ एक वैल्यू जो हमारे पास न्यूमेरिकल में बार बार यूज होती है उसको हम कोशिश करेंगे याद रखने की, और किस तरह से हम इसको याद रखेंगे, हम लिख लेते हैं लॉग वन लॉग टू लॉग थ्री लॉग फोर लॉग फाइव लॉग सिक्स लॉग सेवन लॉग एट लॉग नाइन और लॉग 10, आपको 10 तक याद रखना है, ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। मतलब या तो आप लॉग टेबल से भी देख सकते हो इसको, या फिर आप क्या कर सकते हो, इससे जो आपको ये वैल्यू याद है तो उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और इन वैल्यूज को याद रखने का मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो लॉग वन है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनके जो लॉग है वो टू द बेस 10 की वैल्यू गिवन होती है आपको, ठीक है, ये भी क्या है लॉग टू द बेस 10, क्लियर है, सारे के सारे लॉग टू द बेस 10 की वैल्यू है। हाँ जी, लॉग वन होता है आपके पास जीरो, लॉग वन होता है आपके पास जीरो, और लॉग 10 होता है आपके पास 1, ठीक है,
लॉग 10 होता है आपके पास 1, क्लियर। हां जी, आपको याद रखना है कि जो लॉग 2 है वो आपको याद रखना 0.30 होती है, उसकी वैल्यू लॉग 2 की वैल्यू होती है आपके पास 0.30, ठीक है। तो मैं अब कर सकता हूं, हां जी, अब इससे मुझे पता लग गया लॉग 4 है, मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को क्या लिख सकता हूं, लॉग 2 की पावर 2, क्लियर है, लॉग 2 की पावर 2, हां जी। तो ये आ गया मेरे पास, हां जी, लॉग m की पावर n, तो मैं लिख सकता हूं n लॉग m, क्लियर है, n मींस आगे आ गया लॉग m, ठीक है, हां जी, 2 into लॉग 2 की वैल्यू मुझे पता ही है 0.30, तो ये आ गया मेरे पास 0.60, ठीक है, हां जी, लॉग 4 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 0.60, तो मैं लिख सकता हूं लॉग 4 किसके इक्वल है, 0.60 के, क्लियर है, लॉग 4 हमारे पास इक्वल होगा 0.60, ठीक है। इससे हमें पता चलता है लॉग 8 के लिए भी वैल्यू, लॉग 8 हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 की पावर 3, ठीक है, लॉग 8 को मैं लिख सकता हूं, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, ठीक है, हां जी। तो लॉग m की पावर n क्या होगा, n लॉग m, क्लियर, n लॉग m, हां जी, आपको पता ही है लॉग 2 के क्या वैल्यू है, 0.30, तो ये आपके पास आ गया 0.90, ठीक है। तो आपको लॉग 8 की भी वैल्यू पता है, वो क्या होगी, 0.90 होगी, क्लियर, हां जी। अब आपको पता है ये 0 है, 0.30 है, और ये 0.60 है लॉग 4 की वैल्यू, तो जो लॉग 3 की वैल्यू है इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 0.47, क्लियर है, 0.47 इन दोनों के बीच लाई कर रही है, जो ये तीन वैल्यू है ये 0.60 और 0.90 के बीच लाई करेगी, तो मैं लिख सकता हूं लॉग 5 होता है 0.70, क्लियर है, इस तरह से आपको याद रखना है, हां जी, लॉग 6 होता है 0.75, ठीक है, हां जी, 75 और 90 के बीच 0.85, लॉग 7 होता है 0.85, क्लियर, हां जी, और जो लॉग 9 की वैल्यू होती है वो होती है 0.90 और 1 के बीच में, तो क्या बचा 0.95, क्लियर है, लॉग 9 क्या होगा हमारे पास 0.95, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, आपको पता है लॉग 1 क्या होता है 0, लॉग 10 1 होता है, आपको लॉग 2 को याद रखना 0.30 हो गया, इससे आप लॉग 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लॉग 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं, मींस आपके पास 5 वैल्यू तो आपको एज इट इज ही निकल जाएगी, ठीक है, लॉग 1 की, 2 की, 4 की, 8 की और 10 की, क्लियर है, 5 वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, कि इन इन बीच में, इन इन के बीच में ये लाई करती है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको लॉग की वैल्यू ये याद रखनी है, ठीक है। उनके बिहाफ पर अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंस्ट इक्वेशन, जो कि बहुत ज्यादा आपके पास क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। हां जी, हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल उसने दिया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर, न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 मोलर CuSO4, डिप्ड इन 0.1 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है, या फिर 298 केल्विन बोल सकता हूं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट, क्लियर है, 0.34 वोल्ट, ठीक है, ये आपके पास गिवन है, आपको पता है कंसंट्रेशन 1 मोलर से डिफरेंट दे रखी है, तो क्या अप्लाई होगी, नंस इक्वेशन, आपको पता है एक ही इलेक्ट्रोड आपको गिवन है, तो हाफ शेल के लिए नंस इक्वेशन इस पे क्या होगी, अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हम हाफ शेल्स को लिखते हैं, हाफ शेल को लिखते हैं, हां जी, हाफ शेल हमारे पास क्या बनेगी, आपको हमेशा क्या लेना है, रिडक्शन, ठीक है,
CuSO4 है, मीन्स कॉपर की क्या है प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर है, तो Cu पॉजिटिव टू, मैं रिएक्शन लिख सकता हूं प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये बनता है Cu, क्लियर है। इसके लिए जो नॉन्स्ट इक्वेशन होगी, इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन होगी हमारे पास, हां जी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन, क्लियर है, एन क्या है टू, लॉग ऑफ हां जी माइनस लिया है तो, हां जी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मींस कंसंट्रेशन ऑफ Cu डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Cu पॉजिटिव टू, क्लियर है। हां जी वैल्यू पुट करता हूं मैं, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल आपको दिया दे रखा है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय टू, एन की वैल्यू क्या दे रखी है टू। अब आपको पता है कॉपर है, क्लियर, हां जी कॉपर है क्योंकि आपके पास क्या है प्योर इलेक्ट्रोड है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी वन होगी, ठीक है, बात हो चुकी है हमारी, वन अपॉन कंसेंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी वन, Cu पॉजिटिव टू की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 मोलर, तो ये आ गया आपके पास 0.1, क्लियर है। हां जी तो ये आया आपके पास ई सेल इक्वल टू 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय टू लॉग ऑफ, मैं इसको क्या लिख सकता हूं वन अपॉन टेन भी लिख सकता हूं, क्लियर है, वन अपॉन टेन भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको अलग से सॉल्व कर देता हूं वन अपॉन टेन की पावर माइनस वन लिख सकते हैं हम इसको, क्लियर है। हां जी log इंटू वन अपॉन टेन रेस टू पावर माइनस वन भी हम इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। हां जी अब मैं क्या कर सकता हूं, ये पावर क्या है नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, log ऑफ टेन की पावर वन भी कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर लेके मैं इसको चला गया हूं, log ऑफ टेन की पावर वन भी कर सकते हैं। अब मैं क्या बोलूंगा log ऑफ m की पावर n क्या होगा, हां जी log ऑफ m की पावर n, n log m, क्लियर है, वन इंटू log टेन, और log टेन क्या होता है वन होता है, तो वन इंटू वन क्या आया वन आया, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई वन आई, ठीक है, log ऑफ वन अपॉन 0.1 की वैल्यू क्या आई वन। वैल्यू पुट करता हूं ई सेल इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय टू इंटू वन, क्लियर है, log ऑफ वन अपॉन 0.1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास वन ही आई है, ठीक है। हां जी तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया है 0.31045 वोल्ट, क्लियर है, ईएमएफ हमारे पास आया 0.31045 वोल्ट, क्लियर है। इस तरह से आपको क्या होंगे न्यूमेरिकल गिवन आउट होंगे, ठीक है। हां जी और न्यूमेरिकल हम करते हैं, और मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि पेपर में इस तरह के ही न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें वैल्यू लोग की क्या दे रखी हो 10 या 10 के रिस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू दे रखी होती है, या फिर अगर आपको अलग वैल्यू दी है तो लोग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन मिलेगी, ठीक है। हां जी आपके पास न्यूमेरिकल है, उसने बोला है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, कैलकुलेट ईएमएफ फॉर द फॉलोइंग सेल ईएमएफ दिया है फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, हां जी सेल उसने दी है Fe पॉजिटिव टू, कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, क्लियर, हां जी, और साल्ट ब्रिज H पॉजिटिव 0.01 मोलर, 0.01 मोलर से H2 गैस, क्लियर, हां जी वन बार पीटी
क्लियर है, इलेक्ट्रोड साथ में गिवन होगा। हाँ जी, और फिर उसने गिवन है ई नोट, उसने गिवन है ई नोट एफ ई पॉजिटिव टू से एफ ई पॉजिटिव टू से एफ ई गिवन है -0.44 वोल्ट एंड ई नोट एच पॉजिटिव से एच टू, ई नोट एच पॉजिटिव से एच टू आपको पता ही है 0.00 वोल्ट ये उसने दिया है। क्लियर है, आपको निकालना है ईएमएफ। आपको पता है कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या लगेगी, नंस्ट इक्वेशन। और आपको यह भी पता है कि फुल शेल है, ठीक है, फुल शेल के लिए। और आप सबसे पहले तो आप क्या करते हो, रिएक्शन बनाते हो। हां जी, एफ ई जाएगा, जा रहा है एफ ई पॉजिटिव टू, इसको इस तरह से लिखेंगे। और एच पॉजिटिव जा रहा है, एच पॉजिटिव जा रहा है एच टू में। क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे, जीरो से प्लस टू तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, प्लस वन से जीरो रिडक्शन। क्लियर है, बैलेंस करते हैं। हां जी, दो एच है तो दो एच हो गया हमारे पास। क्लियर है, हाफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं हम। हां जी, एफ ई से एफ ई पॉजिटिव टू, डिफरेंस कितना, टू इलेक्ट्रॉन का, तो टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। मैं लिख सकता हूं टू एच पॉजिटिव से एच टू। क्लियर है, हां जी, प्लस वन है, जीरो है, एक का डिफरेंस, तो एक के लिए एक का डिफरेंस है, तो दो हाइड्रोजन के लिए दो का डिफरेंस, टू इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एन की वैल्यू भी पता लग गई कितनी है, टू। क्लियर है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई, टू। तो मैं लिख सकता हूं ईएमएफ, ई सेल इजकल टू, ई सेल इजकल टू कैथोड, क्या बनेगा, कैथोड हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूं, पहले तो मैं ई नोट सेल ही निकाल लेता हूं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। क्लियर है, हां जी, ई नोट कैथोड, कैथोड मुझे दे रखा है 0.00 वोल्ट, माइनस ऑफ ई नोट एनोड, एनोड मुझे दे रखा है 0.44 वोल्ट। क्लियर है, तो वैल्यू मेरे पास आ गई 0.44 वोल्ट, ठीक है, ई नोट सेल की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.44 वोल्ट। नेक्स्ट हम निकालते हैं, हां जी, ई सेल इजकल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2। क्लियर, एन की वैल्यू क्या है, टू, टू इलेक्ट्रॉन है, लॉग ऑफ, क्लियर, हां जी, माइनस लिया है तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है, एफ ई पॉजिटिव टू, कंसेंट्रेशन ऑफ एफ ई पॉजिटिव टू डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव। और आपके पास स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो वो क्या आ जाएगा, स्फीयर में, ठीक है, बात हमारी हो चुकी है, ठीक है। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, इसको बड़े अच्छे से आपको देखना है। हां जी, तो वैल्यू आ गई आपके पास, ई सेल इजकल टू ई नोट सेल आपके पास है 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ, हां जी, एफ ई पॉजिटिव टू है, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी दी है 0.001 मोलर, 0.001 मोलर। क्लियर है, हां जी, एच पॉजिटिव की कितनी दी है 0.01 मोलर, 1 मोलर का स्केयर। क्लियर है, 0.01 मोलर का स्केयर, ठीक है। हां जी, अब हम क्या करते हैं, जो लॉग वाली क्रम है उसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। हां जी, हमारे पास गिवन है लॉग ऑफ 0.001 और 0.01 का स्केयर। क्लियर, हां जी, मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 1/1000 डिवाइड बाय हां जी 1/100 इंटू 1/100। क्लियर, ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 1/1000, बिल्कुल जो सिंपल मेथड है वही आपको बताएंगे, 1/10,000 ये आपके पास आ गया, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1000 को 10^-3। क्लियर, 1/1000 को 10^-3 डिवाइड बाय, इसको लिख सकता हूं 10^-4। क्लियर, हां जी, अब आपको पता है बेस अगर सेम है
तो पावर क्या हो जाएंगी, बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 4, तो ये बचा लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 3 प्लस 4, 10 की पावर क्या बची, 1। ठीक है, लॉग ऑफ 10 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। हां जी, अब मैं बोल सकता हूं लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन, हां जी एन लॉग एम, और आपको पता है लॉग 10 क्या होता है, 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 क्या आई वैल्यू, 1 ही आई है आपकी वैल्यू, क्लियर है, 1 इंटू 1। तो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर सकता हूं, मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं और ये आती है हमारे पास ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय 2, क्लियर है, इंटू 1। ठीक है, वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1। ठीक है, हां जी, तो ये आ गया मेरे पास 0.4105, क्लियर है, 41045 वोल्ट, क्लियर है, ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। और इस तरह से मेनली मैं बताना चाह रहा हूं, इस तरह से अप्लाई होगी नॉन्स इक्वेशन और इस तरह से आपके पास क्या लॉग को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग को सोल्व करना होगा, क्लियर है, ठीक है, हाँ जी, ये बिल्कुल सिंपल ही मेथड है लॉग सोल्व करने का, क्लियर, हाँ जी। एक और हम एग्जांपल करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, वो भी आ चुका होगा। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, उसने बोला है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, 298 केल्विन, हां जी, और उसने सेल दी है 2Cr प्लस 3Fe पॉजिटिव 2, कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, हां जी, प्रोडक्ट दिया है 2Cr प्लस 3, कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, 0.01 मोलर प्लस 3Fe, क्लियर, हां जी, गिवन है आपके पास E0 Cr प्लस 3 से Cr, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है माइनस 0.74 वोल्ट, 74 वोल्ट, एंड E0 Fe पॉजिटिव 2 से Fe गिवन है माइनस 0.44 वोल्ट, 44 वोल्ट, क्लियर है, हाँ जी। सबसे पहले तो आपको पता ही लग गया होगा कि आपके पास कंसंट्रेशन डिफरेंट दे रखी है फ्रॉम 1 मोलर से, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन्स इक्वेशन अप्लाई इस पे होगी, हाँ जी, नॉन्स इक्वेशन इस पे अप्लाई होगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, हाँ जी, सबसे पहले तो नॉन्स इक्वेशन आपके पास होगी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन, क्लियर, हाँ जी, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सी आर प्लस थ्री का स्क्वायर, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय, हाँ जी, रिएक्टेंट है Fe पॉजिटिव 2 का क्यूब, क्लियर, ये आपके पास आ गया है, हाँ जी। अब मैं क्या बोल सकता हूं, आपको n की वैल्यू चाहिए तो मुझे अलग अलग रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, हाँ जी, Cr आपको पता है Cr जा रहा है किसमें, Cr प्लस 3 में, मतलब क्या हो रही है, 0 से प्लस 3 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। नेक्स्ट है Fe पॉजिटिव 2 जा रहा है किसमें, Fe में,
डिफरेंस कितने का है, दो का, क्लियर है, दो इलेक्ट्रॉन में लिख देता हूं क्योंकि रिडक्शन हो रही है। अब आपको पता है यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन तो सेम होने चाहिए, इसको टू से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको थ्री से मल्टीप्लाई करता हूं, तो रिएक्शन मेरे पास बनी टू सी आर से टू सी आर प्लस थ्री प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन। हां जी, ये रिएक्शन मेरे पास बनी थ्री एफ ई पॉजिटिव टू प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन और थ्री एफ ई, क्लियर। हां जी, और मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन बनती है टू सी आर प्लस थ्री एफ ई पॉजिटिव टू से टू सी आर प्लस थ्री एफ ई, ये आपके पास रिएक्शन आ जाती है जो कि सेम है हमारे पास। मतलब यहां से मुझे पता चला जो एन की वैल्यू है वो क्या बनती है, सिक्स, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने निकले, सिक्स, तो वैल्यू मैं पुट करूंगा ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल। हां जी, एक बार मैं ई नोड सेल भी निकाल लेता हूं, ये आएगा ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, कैथोड जहां पर रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, एफ ई की हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं एफ ई पॉजिटिव टू कैथोड माइनस एनोड, एनोड पे कौन गया, सी आर, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हमारे पास हो रही है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं माइनस 0.44, क्लियर, और माइनस माइनस 0.74, माइनस 0.44 प्लस 0.74, ठीक है, ये आ गया मेरे पास 0.30 वोल्ट, या फिर मैंने बोला भी था जो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर देना है, ठीक है। वो भी हमारे पास क्या थी, एक ट्रिक थी, क्लियर। हां जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास है ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल, ई नोड सेल क्या बना 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय एन, एन क्या है, सिक्स, लॉग ऑफ, हां जी, सी आर प्लस थ्री की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.01 का स्क्वायर डिवाइड बाय, हां जी, एफ ई पॉजिटिव टू की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.1 का क्यूब, 0.1 का क्यूब आपको गिवन होगा, क्लियर। हां जी, तो हमारे पास आ गया है ई सेल इज इक्वल टू 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय टू लॉग ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/10 का क्यूब, क्लियर है, 1/100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/10 का क्यूब, क्लियर। हां जी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लॉग ऑफ अलग से सॉल्व करता हूं, लॉग ऑफ 1/100 का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं जो 10^-2 1/100 को, लॉग ऑफ 10^-2 का स्क्वायर, 1/100 को 10^-2 लिख सकता हूं, डिवाइड बाय, इसको लिख सकता हूं 10^-1, ठीक है, 1/10 को कि पावर क्या है, 3, लिख सकता हूं 10^-4 डिवाइड बाय 10^-3, क्लियर। हां जी, अब मैं क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ बेस सेम है तो पावर क्या होगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में दे रखा है, 10^-4 माइनस ऑफ -3, तो ये आ गया लॉग 10^-1 और लॉग एम की पावर एन बनता है एन लॉग एम, ठीक है, -1 × log 10 और log 10 क्या होता है, 1, तो बनता है -1, वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1, ठीक है। हां जी, तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, इसमें वैल्यू पुट हम इसमें कर देंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 6, सॉरी यहां पर 6 लिखेगा, 6 इंटू -1 इंटू -1, तो ये बनता है ई सेल इज इक्वल टू 0.30 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.0591 बाय
सिक्स, क्लियर है? हाँ जी, सोल्व आउट करके हमारे पास आंसर आया 0.31 वोल्ट, 0.31 वोल्ट, क्लियर है? ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया है इस सेल का, या फिर ईएमएफ आ चुका है, ठीक है? इस तरह के हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर? ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।